ये हमारा हो चुका है फोटोशूट। Hi guys, good morning. Today is my आज मेरा almost second last day है चंडीगढ़ में शूट का फॉर अरदास, क्योंकि फिर हमारा आउटडोर शेड्यूल शुरू हो जाएगा। कशिश, कशिश मुझे दुल्हन में व्हाट्सएप किसको बोल रहा है? तो कशिश मुझे आज दुल्हन बना रहा है। आज हम शूट करने वाले हैं लास्ट सीक्वेंस लाइक द वेडिंग सॉन्ग। मैं शायद अपनी जिंदगी के 528वीं बार दुल्हन बन रही होंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल कीप शोइंग यू। पर गाइस एक बात बता दूं, हम लोग बहुत बहुत ठंडे के साथ मेरी स्टोरीज में देख लेंगे। और ये कशिश ही है जिसने मुझे पेपर पिक गिफ्ट किया। आई एम सो हैप्पी एंड आई हैव अ कडल पार्टनर बिकॉज ऑफ हिम। कृष्णा डिसाइड कर रहा है कि कृष्णा मुझे कौन सी परांदी लगाएगा मेरे सूट के साथ। मेरे हिसाब से ये मल्टी कलर वाली, क्योंकि हम इस कलर का गोटा भी लगाएंगे आपकी परांदी के साथ। ओके, मल्टी कलर वाली थोड़ी ज्यादा सूट करेगी। और दूसरी वाली हमारे पास एक गोल्डन है, पर थोड़ी सी ओल्ड फैशन लग रही है, तो हम न्यू फैशन वाली लगाएंगे। ठीक है, ओके, व्हाटएवर यू लाइक दैट वन कलरफुल, आई ऑल्सो लाइक दैट। डन। मेरे से ज्यादा बाकी सब लोग एक्साइटेड है दुल्हन बनने के लिए। दुल्हन मुझे अभी वो भी आया ना कि हम इसको रिकॉर्ड कर ले, बट मुझे सब ऐसे बोलते हैं। पर अगर मैं बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने मुंह में तो बनने का, अगर वही इंडियन फेस तो मुझे दुल्हन लोग बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत ब्राइडल्स होते हैं। देखते ही वाला कैसा होता है, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, क्योंकि मेरे को लुक बेटर दुल्हन बनने को। और ओके ओके, आज कशिश को बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ कि शूट की मेहंदी कैसी लगती है आर्टिस्ट। और अगर आपको लगता हो कि मेहंदी वैसी लगती है फिर गजती है तो इसी नहीं होती। देखिए स्केच पेन, इससे मेहंदी लगती है। ओ भैया धोखा, ये देखो लग गई मेहंदी, मैं 80% दुल्हन बन गई। देखो कितना डार्क कलर आया, इसका मतलब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करेगी, है ना? यही मतलब। गाइस ये देखो, ये है निर्मल मैम, ये है रूपी मैम, सीमा मैम, सीमा मैम, रूपी मैम, और ये हनीमून से लेके अभी तक ये मेरी माए बनती है, साथ साथ है हमेशा। हम लंदन हो, अभी हाउसफुल को बोला मैंने, सॉरी गलती बोला, कैरी ऑन चटिए में भी हम साथ साथ है एंड दे लव मी सो 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 मच। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम हनीमून थी और मैं किसी को नहीं जानती थी और मुझे ऐसे लोनली लोनली फील होता था, बट इन्होंने मुझे कभी लोनली नहीं फील होने दिया, हमेशा हम साथ ही फैमिली की दादियां दादियां मम्मी आ सब कुछ है। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या कहते हैं घर की दादी थी ना, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी थी, हनीमून में बुआ जी थी ना, जिसको भी हनीमून बनाना था याद आया, गोरे के साथ हनीमून बनाना था। Hi guys, so शूट का पैकअप हो गया, आज जल्दी हो गया, बिकॉज एज एवरी डे बड़ा ही ज्यादा हेक्टिक था। मुझे 4 दिन हो गए, मिसिंग अली ऑल्सो नॉट, अली से अभी बात हुई थी, उसका अभी भी शूट चल रहा है, उसका एक सीन बचा है। एंड आई एम इन होटल, मतलब बड़े दिनों बाद ऑन टाइम, सो दैट आई कैन हैव एंड एंजॉय अ डिनर, बिकॉज आप सबको पता है मैं बिग फूडी, सो मैंने ऑर्डर करी है बिरयानी मसाला पापड़, मैं वो खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि कल फिर अर्ली मॉर्निंग उठना है। और ऑनेस्टली पता है यहाँ पे इतनी ठंड है, कहीं कुछ जाने का कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो बस खाऊंगी और सो जाऊंगी। मैं दुल्हन बनी थी और अब समय मैंने निकाल दिया। 346 मिनट्स लेटर गाइस, कशिश की पैंट देखो, ऐसा नहीं लग रहा है इसने YSL का बैग लेके पहन लिया है। ये बाबूराव का स्टाइल है। पिया लेके आया है घर से, मुझे खिला पिला के खुश रखते हैं। ये देखो ये लाई है, ये लाया है कशिश मेरे लिए चुपा चुप मैजिक पॉप, और ये मेरे लिए लाएगी चांद सितारे। चांद सितारे एक बॉटल से चूरा करते हैं। The following Thursday. देखिए पद्मश्री अवार्ड विनर जी आ रहे हैं, यहाँ इनका केक कटने वाला है, श्री श्री पद्मश्री जी का सेलिब्रेशन होने वाला है सेट पे आज।
ताजी ताजी खुशखबरी आई है, तुसी पढ़ सकते हो। हुण निर्मल ऋषि जी, निर्मल ऋषि जी नहीं रहे, ये पद्म श्री निर्मल ऋषि जी हो गए। देखो जी, कितों शुरू होया सी साडा पंजाबी सिनेमा, अज इत्थे तक पहुंचे हैं कि साडे आर्टिस्टां नूं पद्म श्री भी मिलने शुरू हुए ने, रिकगनाइज होने शुरू हुए ने साडे आर्टिस्ट। और सानू बहुत खुशी है कि इहदी शुरुआत सर्वोत्तम अदाकारा साडी पंजाबी इंडस्ट्री दी निर्मल ऋषि जी तों हो रही है। और साडी इह निर्मल ऋषि जी दा नहीं, साडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दा इस तरह दा पहला केक कट्टिया जा रहा है। अज दे अज दा दिन इतिहासक दिन बन गया। अरदास असीं बना रहे हैं अरदास सरबत दे भले दी, और रब ने साडी अरदास किन्नी नेड़े होके सुनी है भी देखो तुसीं, तां ही असीं कहिंदे अरदास सरबत दे भले दी। ठीक है जी, हुण केक कट्टांगे जी। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਕਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮਨ Much later. Opening now. The next day. तो आपको भूख लगाई? कुछ भी हो जाए, खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है? एक तरफ तू लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो लगे हुए, मैं खाऊं भी ना। तालाब खराब हो गया है मेरा। खा क्या है ना? हाँ। क्या खा क्या है? साग के साथ परौठियाँ, देसी घी। हमें बेचारी घंटा खा रही, उसमें भी नजर लगा रहा है। तो ये है आज हमारी ज्वेलरी और है वो हमारी जूतियाँ। मीट कशिश, क्रिएटिव डायरेक्टर बिहाइंड ऑल द शूट्स हैपनिंग। अपनी शक्ल दिखा और अपना लुक दिखा दे, खुद भी कम तैयार होके नहीं आता ये दो घंटा पहले कॉल टाइम से 2 घंटा पहले उठता है अपने आप को रेडी करने के लिए।
गाइज एक प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और अब हमने मॉल के लिए चेंज कर लिया है और दिखाओ अपने दोनों की शक्ल, दिखाओ इसकी और अपनी भी दिखा, और ये दोनों लड़कियों को बिल्कुल ही बैठ नहीं सकते, मुझे फिर काम करा रहे हैं, बोल रहे फोटो के लिए पोज करो। The next day. Guys, promotion का तीसरा दिन है, जिनको अमृतसर जाना है और सुबह के 3 बज रहे, नहीं झूठ बोल रही हूँ, 5 बजे उठी थी मैं और देखो ये दोनों आ गए मेरा मेकअप करने। मुझे बिल्कुल, अगर अमृतसर नहीं होता, गोल्डन टेम्पल नहीं जा रहे होते, तो आज शायद मैं कोई ना कोई झूठ बोल के मिस कर देती, बट गोल्डन टेम्पल जाने का मुझे खुद को बहुत लालच है, इसलिए मैं इतनी सुबह उठी हूँ तैयार हो रही जाने के लिए। हम निकल पड़े हैं, आज का दिन बहुत लंबा है, पहले जाएंगे अमृतसर, फिर हम जाएंगे जलंधर, कॉलेजेस, गोल्डन टेम्पल, इट्स एन एडवेंचरस डे। नागिन भी यहाँ है, नागिन के साथ है, सारे मेहमान स्वागत करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि अमृतसर के लिए 5 घंटे लगे पहुंचने को, फिर वी डिड 2 कॉलेजेस, देन रेडियो सेंटर, देन गोल्डन टेम्पल, एंड देन अगेन 1 रेडियो सेंटर, एंड अब हम 1.5 घंटा ड्राइव करके जलंधर पहुंचे क्योंकि कल हमारे जलंधर में प्रमोशन है। तो हैविंग अ नाइट इन जलंधर, गुड नाइट गाइस। Much, much, much later. क्योंकि उसके हिसाब से जाओ, रात को वो ज्यादा खिल के आएगा और ये दिन वाले कलर है। एंड गाइस विद दिस वार्निंग टू प्रमोशंस एंड आई एम बैक इन चंडीगढ़
मैचवर्क बचा है एंड देन वी लीव फॉर राजस्थान शेड्यूल। राजस्थान शेड्यूल बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वो द फर्स्ट टाइम मैं जयपुर और कोटा में शूट करने वाली हूँ एंड ऑफकोर्स मेरा होम टाउन है, मेरा घर है, तो बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग हो रही है, बड़ी मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि मैं मुझे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करने आ रही कि मैं अपने शहर अपने लोगों के बीच शूट करने वाली हूँ। जैसे जब हम छोटे होते थे हम सुनते थे शूटिंग हो रही है, हम जाते थे देखने, वैसे मैं खुद अब शूट करने जा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। आई विल शो यू शूटिंग इन जयपुर एंड माई ब्यूटिफुल सिटी कोटा। बाय बाय।